जय हिंद साथियों, आप सभी को पीपीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम लोग नाउन नंबर को प्रैक्टिस करेंगे और इसके वेरियस जो क्वेश्चंस है तो बहुत बार मल्टीपल बार हर एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे करने की प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग बने रहो और इस सेशन को फटाफट अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्या करना है साथियों, आपको शेयर कर देना है। क्या करना है साथियों, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों को। चलो जल्दी जल्दी शेयर करो इसको और हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है साथियों। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत बार अलग अलग एग्जाम में, यानी कि बोर्ड एग्जाम में बहुत जगह इस क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है साथियों। चलो बहुत खूब जुड़ गए बहुत सारे बच्चे। चलिए मैं क्वेश्चन जैसे लिख रहा हूँ और आपको इसमें प्रैक्टिस करने का प्रयास करना। देखो मेरा जैसे क्वेश्चन है हमारा, तो आपको सिमिलर से प्लूरल बनाना, ठीक है। इसके बाद हम इसके फिर रूल को आपको कवर करवा देंगे, यानी कि वन शॉट मतलब एक बार में आपको रूल भी कवर हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा और फिर आपका रिवीजन भी हो जाएगा, यानी एक चीज से दो तीन चीज कामें हो जाएंगे यहाँ पर। चलिए मैं अभी 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं 8-10 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर इसको प्रैक्टिस कर, फिर इसके रूल बताऊंगा, फिर 10 क्वेश्चन दूंगा। यानी कि आज सारे रूल जो भी पढ़ाए हैं आपको नाउन नंबर में, सारे रूल आज क्या हो जाएंगे साथ कवर हो जाएंगे और उसको रिवीजन भी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बुक वाला भी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से आपके जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगा साथियों। पता है ना आपका डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। आ जाओ पहला क्वेश्चन, तो बुक काम लिखने क्वेश्चन आओ, इसको सिंगल से पूरा बनाना है, देखने में आसान साथियों, इसके पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। अब समझ रहे हो ना, इस वाले से मैंने जो भी कुछ लिख रहा हूँ तो बहुत सारा रहस्य, यानी कि इसके सीक्रेट छुपा हुआ है और इसी से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज ये 3rd नंबर क्वेश्चन है डिस्क, ठीक। आज ये उसके बाद हमारा है एंट, 4th नंबर में है एंट। क्या हिंदी पता नहीं है, पूछ लेना, ठीक है साथियों। चलो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है क्लास, सिक्स नंबर है गैस, सेवन नंबर है हमारा बॉक्स, आ जाओ साथियों। देखो बुक काउ डेस्क एंड क्लास गैस बॉक्स टैक्स। अभी आप सिंगुलर से प्लूरल वर्ड में चेंज करने की सीख, कैसे वर्ड में सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करें। पहले इतनी छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों को करने लगेंगे तो डेफिनेटली वन डे यू विल एबल टू सॉल्व ए सेंटेंस फॉर्म, आप उस सेंटेंस फॉर्म को बनाने लायक एबल हो जाएंगे, ठीक है। बट आपको छोटे छोटे कदम को बढ़ाना होगा, इसलिए आपको पहले छोटे छोटे सेंटेंस को सिंगुलर से बनाने आना चाहिए। चलिए स्टार्ट कीजिए साथियों, अब मुझे बताइए इसका क्या होगा। सभी के कमेंट करके जल्दी जल्दी कॉपी में इसे नोट डाउन करो, आने की तरह जल्दी जल्दी करो साथियों। बहुत खूब अच्छी बात है, जल्दी से इसके सोल्यूशन दो, क्योंकि इसके पीछे रहस्य छिपे हुए वो सारे मैं बता दूंगा। चलो बहुत बच्चे कमेंट कर दिए, सबका कमेंट देख लूं, बहुत खूब अच्छी बात है। चलो बहुत खूब एकदम बहुत खूब अच्छी, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं। चलो अभी इसको बनाओ, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं, इसको बनाने के प्रयास करो। देखो मैं बताता हूँ इसका, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूंगा ना वहाँ पर आपको दिमाग थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो साथियों बुक, यहाँ पे काउ, बुक मतलब होता है किताब, काउ मतलब होता है गाय, डेस्क मतलब जो डेस्क होता है, समझ लो घर में डेस्क होता है ना एक, जहाँ हम लोग खाते हैं, सो टेबल लोग भी बोलता है बहुत सारे लोग, डेस्क भी होता है। डेस्क के बाद आंट, हम लोग सुनते ना आंट, एंट एंट चिट्टी, और एक होता है आंट, आंट मतलब आंटी, एंट मतलब चेटी, चीटी देखे होगे ना वो गांव में, वो तो चीटी चलती है,
वो अपने एक श्रृंखला बना करके वो एंट हो गया। क्लास क्लास यानी कि वर्ग जिसमें आप पढ़ाई करते हो, यानी कि स्टूडेंटों को समूह को बैठा देते हैं एक जगह क्लास बोलते हो। बताओ यहाँ पे किस किस को यहाँ तक दिक्कत हो रहा है भाई? वर्ड में किसी को दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, क्योंकि जब अभी आपके प्रॉब्लम छोटे हैं तो प्रॉब्लम छोटे हैं तो उसे सॉल्व करना आपको ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम बड़े हो जाएंगे तो आप उसे सॉल्व करने के लायक नहीं बच जाएंगे। समझ रहे हैं ना? देखो क्लास मतलब वर्ड हो गया। अब यहाँ पे गैस है, गैस मतलब क्या होता है बताओ साथियों? गैस मतलब गैस ही होता है जिसपे आप उसको क्या करते हो, एक रेगुलेटर लगा करके एक चूल्हे में जोड़ते हो जिससे आपको खाना पकते हो, गैस बोलते हैं। और गैस उसे भी बोल सकते हैं जो वैलून में भरा जाता है, उसे भी गैस ही बोला जाता है, ठीक है? लेकिन उसका फॉर्मेट अलग अलग होता है। समझ रहे हो ना? उसका फॉर्मेट अलग अलग होता है। समझ रहे हैं साथियों? देखो अब आ जाओ गैस के बाद है बॉक्स। क्या साथियों? बॉक्स, बॉक्स समझते हो ना? एक जो बॉक्स होता है वो जो घरों में होता है बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं साथियों? बॉक्स मतलब बक्सा होता है हिंदी में, हम लोग सारी कपड़े उपड़े सामान वामान रखते हैं। और टैक्स मतलब होता है कर, जो कुछ भी आप सरकार को पे करते हो, जैसे हम लोग एक जीएसटी लगता है साथियों। क्या लगता है साथियों? जीएसटी लगता है, जैसे कर पे करते हो आप गवर्नमेंट को, उसे टैक्स बोलते हैं। अब बताओ इनका सिंगुलर से आपको क्या करना है साथियों? फुल फॉर्म में चेंज करना है। ये आपके सारे क्या है साथियों? फुल फॉर्मेट है साथियों, सिंगुलर में है। अब आपको इसको क्या करना है साथियों? सिंगुलर से आपको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। कैसे हो जाएगा? चलो मेरे साथ करने की प्रयास करो और सभी को यहाँ पे जुड़ जाओ। रवि शंकर जी गुड, आ जाइए। देख रहे हैं यहाँ पे पहला वर्ड है जो बुक। बुक का प्लूरल बनाना बनाने की कोशिश करेंगे साथियों। हमने बताया था 19% केस में, यानी कि 90% केस में जब हम किसी वर्ड से क्या करते हैं साथियों? सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, फॉर्मेट हम सिंगुलर से प्लूरल की तरफ ले जाते हैं, तो उसमें 19% केस में सिर्फ और सिर्फ केस लगा करके हम बना देते हैं। 10% लोगों को ग्रामर को लाया गया, ये रूल बनाया गया 10% के लिए ही बनाया गया। 90% तो आसानी से काम चल जाता है, 90% होते हैं हमारे पास तो उसका जो काम आसानी से चल जाता है, लेकिन 10% हमें यहाँ पे रूल की जरूरत पड़ती है। जैसे काऊ, उनको भी जनरल फॉर्म बना सकते हो काऊ को, काऊ क्योंकि डब्ल्यू वाला कोई रूल ही नहीं बताया अभी तक, तो बताने मैंने डब्ल्यू वाला कोई रूल बताया नहीं, तो डब्ल्यू वाला कोई रूल ही नहीं होता। वाई क्या होता है, ओ का होता है, एक्स का होता है, जेड का होता है, क्या होता है, लेकिन डब्ल्यू का नहीं। इसी तरह ये काऊ ही क्या हो जाएगा साथियों? काउज हो जाएगा। अब देखो डेस्ट, एक के लिए भी कोई रूल नहीं होता, कोई वर्ड केस समाप्ति के ऐसे इसका रूल ही नहीं बना, तो ये भी आपके जनरल फॉर्म में आ गया। तो 19% वाला है, मैं ये भी डेस्क वाला क्या हो जाएगा साथियों? डेस्क का डेस्क हो। बताओ साथियों सीख रहे हो तो कमेंट करो, हाँ सर मैं कुछ यहाँ पे सीख पा रहा हूँ। सभी को इसको कमेंट करो कि हाँ सर मैं कुछ सीख पा रहा हूँ। तब यहाँ पे लिख रहे हैं रविशंकर, हवा। हवा क्या है भाई, आप मुझे बताओ रविशंकर जी, हवा क्या है? बात कर रहा हूँ गैस मतलब साथियों हवा नहीं होता है, गैस मतलब आपका साथियों, गैस का मतलब होता है साथियों आपका गैस ही होता है, एयर मतलब हवा होता है, समझ रहे हो ना? एयर मतलब हवा होता है, गैस मतलब हवा नहीं होता है। गैस में कुछ वो एक केमिकल चीज़ें होती है, ठीक है, वो होता है, गैस मतलब हवा नहीं होता। आ जाइए अब देखिए एंट, एंट मतलब चींटी वाला भी रूल, तो टीचर समाप्ति को उसकी अलग फॉर्म होगा नहीं, ये भी जनरल वाले भी कैटेगरी में आएंगे, क्या भी प्लूरल बनाने के लिए हम और सिर्फ एस लगाएंगे तो भी क्या हो जाएगा साथियों? एंड से हो जाएगा। बताओ जहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मैं बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, आ जाओ। क्लास, क्लास मतलब साथियों वर्ग, वर्ग का प्लूरल बनाने के लिए हमने बताया था एक रूल, टू वर्ड एस डबल एस सी एच एक्स जेड तो समाप्ति करे कोई वर्ड तो उसका हम लोग बनाने के लिए जोड़ते हैं, जैसे क्लास गैस, समझ रहे हो ना? ये सभी वर्ड जैसे बेंच, ये सारे जो वर्ड थे वो उस कैटेगरी यानी कि रूल नंबर टू
बिलोंग कर रहे थे, जिसमें हमने बताया था एस डबल एस टी एच एक्स जेड, ठीक है, ये वाले रोड जो बताए थे रूल, उसी पे ये आपका कंसेप्ट है। जैसे क्लास डबल एस लगा हुआ, देखो डबल एस है तो हम लोग करेंगे एस लगा देंगे रूल के अकॉर्डिंग। जैसे क्लास है सी एल ए डबल एस लिख दिए। अब हमने रूल में बताया था कि जब कोई वर्ड, जब कोई नाउन डबल एस यानी कि दो गो एस लेगा, अब उसका हम लोग प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस लगा देते, बताओ यहाँ पे ई एस लगा दोगे ये प्लूरल बन जाएगा ना, बताओ साथी, इसको अंत में आप पे एस लगा दोगे तो प्लूरल बन जाएगा ना, यहाँ पे किसी को दिक्कत हो तो बताओ फिर। नहीं बताया जिसके अंत में डबल एस यानी कि एक एस फिर एस, यहाँ भी साथियों एस था, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस, यानी कि एगो एस एगो, यानी कि एक एक मिलकर कितना हो गया, दो एस हो गया, यानी कि दो को क्या बोलते हैं, डबल बोलते हैं। यही मैं बता रहा हूँ, जो भी नाउन डबल एस से समाप्त करे प्लूरल बनाने के लिए आप उसके अंदर ई एस लगाते हो, क्या लगाते हो साथियों, ई एस, तब वो प्लूरल बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, समझते हो ना। वही जो यहाँ पे क्लासेस हो जाएगा सर, बता क्या हो जाएगा, ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, समझ रहे हो ना। आ जाओ अब इसी के साथ गैस है, गैस, अब बताओ गैस का प्लूरल क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, बहुत खूब अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं भाई, इसके सेशन को शेयर करो साथियों, ठीक है, क्योंकि सेशन को शेयर नहीं करोगे तो फिर हमें मज़ा नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको सीखना है। आ जाओ गैस का क्या प्लूरल हो जाएगा, जल्दी बताओ साथियों, गैस का गैसेस हो जाएगा, क्योंकि मैंने रूल बताया है एस या डबल एस, समझ रहे हो ना, एस या डबल एस जेड भी होता है, एक्स भी होता है, एच भी होता है, इन सभी वर्ड से जो आप कोई भी शब्द, यानी कि शब्द कहने का मतलब है नाउन समाप्ति करे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एस लगा। आ जाओ एक्स वाला भी देख लो, जैसे बॉक्स, भाई इसके अंत में एक्स लगा है ना, अभी यही रूल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जिसका एक्स जेड टी एच डबल एस एस लगा हो, बताओ यही रूल पढ़ रहे हो ना आप लोग साथियों, बताओ कमेंट करो। और एस एच भी लगा हो वो भी होता है आपका, साथ भी एस लगाते, बताओ एक्स लगा हुआ है बनाने का बहुवचन बनाने के लिए, देखो साथ क्या नहीं होगा, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, आप जाकर के पहले वीडियो नंबर 13 को देखिए, ठीक है, यानी कि लेक्चर नंबर 13 को देखिएगा, डेफिनेटली आपके सारे डाउट जो होंगे ना सारे क्लियर, बहुत बारीकी से बताएगा सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सर बनाने की जरूरत क्यों है हमें, सिंगुलर से प्लूरल क्यों बनाते हैं, ऐसा क्या हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ गया, सारी चीज़ें आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पर समझो कि जब कोई नाउन एक्स एस डबल एस एड मतलब एस एच समाप्ति करते उसका बनाने के लिए अंत में ई एस लगाते, तो बताओ बॉक्स का प्लूरल बनाने के लिए आप यहाँ पे ई एस लगाओगे कि नहीं, रूल के अकॉर्डिंग बताओ एस लगाओगे कि नहीं, जल्दी जल्दी साथियों बताओ हमें कमेंट करके, यहाँ पे बॉक्स का बॉक्सेस करोगे ना। चलो अब देखो टैक्स का, यहाँ भी एक्स है, टैक्स का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बताए टैक्सेस कर देंगे, कोई इशू नहीं, यहाँ पे भी क्या कर देंगे साथियों टैक्सेस, बताओ कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं साथी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। यहाँ पे समझ में आया ना, बुक का बुक्स हो जाएगा, काउ का काउ हो जाएगा, डेस्क का डेस्क हो जाएगा, एंट का एंट्स हो जाएगा, क्लास से क्लासेस हो जाएगा साथियों, गैस का गैसेस हो जाएगा, बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा, टैक्स का टैक्सेस हो जाएगा। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी जल्दी मुझे बताओ साथियों, आप सभी मुझे बता दो, बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो कमेंट करके बताओ, यस सर जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। अब इसे आप करने क्या होगा, नोट कर लो इसे, क्योंकि जब आपके इसके सेंटेंस वाला, जब इसके सेंटेंस वाला आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, कि नीड बहुत पड़ने वाली, और वो यहाँ से ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये वाला पार्ट आपको जल्दी से नोट डाउन, जल्दी से फटाफट इसे नोट करो साथ ही, क्योंकि ये वाला आएगा तभी जा करके आप सेंटेंस वाला इसके एरर सॉल्व कर पाओगे, छोटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल। चलो इसे नोट डाउन।
और देखो इन सभी चीज़ों के पीडीएफ के लिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको टेलीग्राम में एक्टिव रहना होगा, और दोस्तों को भी टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रेरित करना होगा, ठीक है। और देखो साथियों, लाइव में आप कमेंट नहीं कर पाओगे, पूछो क्यों, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारे पास ऑप्शन नहीं खुलता है कि आप लाइव में चैट कर पाए। बहुत सारे बच्चे इसी के लिए इरिटेट हो जाते हैं, सर हम चैट नहीं कर पा रहे, हम आपके पास मैसेज नहीं कर पा रहे, लाइव में कमेंट नहीं कर पा रहे। साथियों इसका एक ही सोल्यूशन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, देन आप लाइव में चैट कर सकते हैं, यानी कि अपने क्वेश्चंस चैट करने, आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं बे हिजक, समझ रहे हो ना, इसका मतलब यही होता है, आप अपने डाउट्स को आसानी से हमारे साथ पूछ। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है साथियों। और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ दबा करके शेयर करो, ताकि हमें भी एनर्जी मिलेगा, हाँ चलो सब सीख रहे तो हमें भी और कुछ मेहनत करना है। चलो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन नंबर शायद होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जैसे वॉच, W8T 11 नंबर में है हमारा बेंच, बेंच है, फिर 12 नंबर में है एस्टोमेट। यहाँ भी साथियों आपके बहुत सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा है 13 नंबर में लेडी, सब इसको नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, इसे नोट करना आपको साथियों, कॉपियों में इसे उतारो, फिर उसको बनाओ, फिर कमेंट करो, क्योंकि आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए ना साथियों हम ऑनलाइन में पढ़ रहे, नहीं आपको ऐसा फील होना चाहिए कि यस हम अभी ऑफलाइन में बैठे, सर सामने खड़े, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं यहाँ से नोट डाउन कर रहा हूँ, आपको फील करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको पढ़ने में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आने लगेगा, रुचि आने लगेगी। पहले आपको फील करना होगा कि हाँ मेरे सर सामने खड़े और मुझे गाइड कर रहे हैं, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा, वरना आपको बोरिंग सा लगेगा। आपको फील करूँगा हाँ सामने मैं हूँ और आप बैठ के पढ़ रहे हो, कॉपी में नोट डाउन करोगे, तब जाके अंदर से एक रुचि आता है, एक अंदर से इंटरनल पार्ट से क्या आता है साथ ही एनर्जी आता है कि हाँ मुझे अब पढ़ना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे करने से, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, लेडी के बाद, लेडी के बाद लिख सकते हो बॉय, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर में क्वेश्चन हो जाएगा डी, ठीक है, बात कर सकते हो 16 नंबर में बेबी, आ जाओ 17 नंबर में कर लो, 17 नंबर में कर सकते हो साथियों, बेबी हो गया, डी हो गया, और फिर क्या कर सकते हो, वाई, वाई भी हो गया, और इसके बाद कर सकते हो साथियों हीरो, ऊपर में कर सकते हो साथियों फोटो, इस नंबर में बैम्बू पर मैं कर लो साथियों, इसे नोट डाउन करते चलना, ठीक है साथियों, इन्हें नोट डाउन किए आप अच्छे तरीके पाओगे, ठीक है, क्योंकि नोट डाउन करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वरना आप ऐसा सिर्फ वीडियो देख के सोचोगे कि सीख रहा हूँ कोई भी चीज़, आप मैं बता दूँ कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक इसे देखिए, एक तो आपको रिकॉल होता है, रिकॉल समझते हो साथियों, देखो किसी भी चीज़ को एक बार देखते हो तो माइंड वो एक बार में सेट नहीं होता, जैसे उसे देखते हो फिर उसे नोट डाउन करेगा, डबल काम हुआ, फिर उसे देखोगे वहाँ पे कॉपी पे, तीन बार हुआ जब मैं बताऊँगा उसे फिर देखोगे, यानी कि चार बार रिकॉल हो रहा है। और पता है ना आपको, बार बार प्रयास से कोई भी चीज़ आसान हो जाता है, कोई भी चीज़ एकदम ईजी हो जाता है, इसी तरह ऐसे ही पढ़ाई भी है, बार बार इसे चीज़ों को देखोगे समझोगे, आपके लिए सारे चीज़ हलवा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे साथियों, ये सारे चीज़ जो है हलवा हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। एक और क्वेश्चन है तो फिर दूसरे रूप पे बता देंगे आपको, आ जाओ देखो यहाँ पे क्वेश्चन लग गया, जैसे कर वॉच बेंच स्टोमिक लेडी बेबी, ये बेबी वो लेडी है, देखो यहाँ पे लेडी है बेबी है, एक नहीं समझना, ठीक है, हीरो फोटो बैम्बू, ठीक है, आ जाओ बिफोलो लाइफ काफ रूफ लिफ, अब इनकी रूल बनानी है, यहाँ से आपके रूल 8 यानी कि 8 रूल कवर होंगे, समझ लो ना, सारे चीज़ आपके रिविजन हो रहे हैं यहाँ। अभी देखो जिसका हिंदी नहीं पता है साथियों, जिस जिसको यहाँ पे हिंदी नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या होता है,
जिसको यहाँ पे हिंदी नहीं पाता है कि वाच का हिंदी क्या होता है, देखो तो वाच के बता दूँ, वाच मतलब घड़ी होता है, घड़ी हर किस्म का हो सकता है, हाथ में पहनने वाले को भी घड़ी बोलते हैं साथियों, जो दीवार में लगा होता है उसे घड़ी बोलते हैं, दीवार में एक घंटा कितने हिलते रहता है जो पेंडुलम बोलते हैं उसे, वो भी वाला घड़ी कहलाता है, जो डिजिटल फॉर्म में वो दिखाता है शो करता है वो नहीं करता उसे भी घड़ी बोलते हैं, तो घड़ी का अनेकों फॉर्म है बट घड़ी ही कहलाता है, ऐसे नहीं उसे दूसरा कुछ बोलते, तो वाच मतलब घड़ी होता है। बेंच, क्लास में बैठे हो साथियों, एक लोअर बेंच होता है जिसे हम लोग लो हाई कहते हैं, हाई या लो बेंच, ठीक है, बेंच उसे भी बोलते हैं, समझ रहे हो ना, बेंच उसे बोलते हैं। एस्टोमिक, बेली समझते हो ना, बेली यानी कि पेट, पेट समझते हो ना, एस्टोमिक उसी को बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है लेडी, देखो लेडी और वोमेन में बहुत डिफरेंस है, लेडी मतलब लेडी ही होता है, ठीक है, औरत नहीं होती, वोमेन मतलब औरत होता है, लेडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कहीं भी, एक जैसे कि क्या होता है कि हम लोग करते हैं, लेडी पुलिस नहीं कर सकते, वोमेन पुलिस होती है, ठीक है, वहीं पर लेडी के मान सकते हो जो फीमेल की रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, लेडी को मान सकते हो फीमेल को रिप्रेजेंट करते, लेडी मतलब औरत नहीं होता, ये कहीं नहीं मतलब लिख लेना, ठीक है। उसके बाद है बॉय, तो पता है बॉय मतलब क्या होता है, लड़का, हमें भी बॉय बोलोगे, हमारे जैसे देखने वाले शक्ल का जो होगा, हमारे जैसे के पास जिसके पास क्या हो, हमारे तरह सारे एक्टिविटी हो, वो बॉय ही कहलाएगा, समझ रहे हो ना, हमारे तरह एक्टिविटी करेगा वो लड़का ही कहलाएगा ना भाई, वो सावला हो कि ब्लैक है कि कैसा है कि गोरा है कि हैंडसम है, चाइनीज है, इंडियन है, इटालियन है, ग्रीक है, कहीं से भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लड़का है लड़का ही कहलाएगा। बॉय का मतलब क्या होता है साथियों, लड़का, आ जाओ। उसके बाद है डे, साथी उसको मैं बता रहा हूँ हिंदी ताकि आप कन्फ्यूज समझना, डे मतलब क्या होता है, दिन, बहुत सारे बच्चे ये मत समझ लेना, समझ रहे हो, नाइट मतलब सर रात होता है, डे मतलब दिन होता है, डे का मतलब होता है डे वाला गिनती, काउंटिंग वाला, समझना, काउंटिंग वालों को डे बता रहे हैं, जैसे आज वाला दिन, ऐसा नहीं कि डे मतलब सुबह हो गया तो दिन हो गया, नहीं अरे वो तो अलग पार्ट हो गया, ठीक है, लेकिन डे का मतलब होता है एक्चुअल में दिन, यानी कि जो आप काउंट करते हो कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन, समझ रहे, उसे दिन बोलते हैं, यार ये 24 आवर्स का जो शेड्यूल होता है उसे डे बोलते हैं, ठीक है, 24 आवर्स का जो भी हमारे जो भी जहाँ का जैसा नियम हो, हर कंट्री का अलग अलग अपना अपना टाइमिंग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइम होता है 24 आवर के जितने मिला करके एक चीज़ आते हैं उसे डे बोलते हैं, ठीक है। बेबी, देखो बेबी के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, जो गुड़िया होता है उसे भी लोग बेबी बोलते हैं, लेकिन उसे प्यार से बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो डॉल होता है, समझ लो ना, तो मार्केट से टिड्डी बोलते हैं ना, तो उसे लोग कहते हैं ना मेरी गुड़िया, सॉरी मेरी बेबी, मेरी बेबी को भाई वो कर दो, वो बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो खेलते हैं तो बेबी बोलते हैं उसे, लेकिन भाई देखो बेबी का मतलब होता है प्यारा सा क्यूट सा एक बच्ची, समझ रहे हो ना, बच्ची बेबी कहते हैं ना बेबी, तो उसे जो प्यारा होता है, सबसे जो दुलारा होता है, जिसे हम लोग ज़्यादा चाहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेबी, समझ रहे हो, घर में सबकी बेबी होता है, है कि माई बेबी सो क्यूट, वो सेंस में आता है बेबी, बेबी का मतलब होता है जो प्यारा हो, बहुत प्यारा, उसी को बेबी बोलते हैं। और जब हीरो, हीरो का मतलब होता है साथियों, हीरो मीन्स हीरो ही होता है जो कि उसके पास एक क्वालिटी होता है अलग टाइप से, समझ रहे हो ना, अलग टाइप का जो क्वालिटी हो, उसके पास पॉजिटिव सेंस हो, उसी को हीरो बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आप शक्ल से देखने में लगे तो आप हीरो, नहीं, आपके पास वो एट्रीब्यूट होना चाहिए जो इसमें क्वालिटी को रिप्रेजेंट करे, उसे हीरो ही बोलते हैं। हीरो हम सब भी हो सकते हैं किसी न किसी फॉर्म में, हम अपने घर को चला रहे हैं, 4 लोगों को खिला रहे हैं, तो हम अपने फैमिली के लिए हीरो हैं, तो कोई सेफ साइज नहीं होता है, बाय द वे एक प्रोफेशन है, समझ रहे ना, बाय द वे इसे एक प्रोफेशन मानते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन हीरो का एक्चुअल में नहीं समझा जाए, उसके पास पॉजिटिव एट्रीब्यूट हो, जो पॉजिटिव सेंस को रिप्रेजेंट करता हो, मतलब उसे हीरो बोलते हैं। आ जा फोटो, फोटो जो कुछ भी आप क्लिक करते हो, कहीं का भी फोटो, हमारी फोटो क्लिक करते हो उसे ही बोलेंगे। अभी आप जहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर, जहाँ से वीडियो देख रहे हो, अभी मेरा एक स्क्रीनशॉट लोगे, जो स्क्रीनशॉट लोगे उससे भी आप फोटो ही बोलोगे, समझ रहे हो ना, फोटो का मतलब ही फोटो होता है। आ जाओ बम्बो, उसके बाद बिफोर लो, लाइफ, काफ, रूफ, ब्लिप, तो बताओ कौन सा वर्ड नहीं आता, बोलो भैंस, लाइफ मतलब नहीं होता सर, लाइफ मतलब जीवन ही होता है। जब काफ, काफ मतलब गाय, गाय का बच्चा जो होता है ना, बछड़ा, उसे बोलते हैं काफ, काफ मतलब बछड़ा। काफ मत पढ़ना, एल साइलेंट हो जाता है यहाँ पर, साथ ही हुआ एल को म्यूट पढ़ते हैं, काफ पढ़ते हैं।
रूफ, रूफ मतलब छत होता है, बिलीफ मतलब विश्वास। अब इसका प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाओ। अब सारे चीज़ें मैंने बता दी उतने डिटेल्स में, सिर्फ मैंने इसकी हिंदी नहीं बताया, उसकी गुण, उसकी क्वालिटी, उसके कैसे बोलते हैं, हुआ तो क्यों हुआ, सारी चीज़ें बताया, आप समझ रहे हो ना, वो बताओ। आप जल्दी से इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाओ, और इसके मैं सारे रूल को आपको रिविजन करवा देता हूँ, जितने भी आपने रूल पढ़े होंगे उस सारी चीज़ों को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ताकि आपका कवर कराता हूँ। जल्दी जल्दी इसके बताओ साथियों, बताओ जल्दी जल्दी इसका। देखो हमने बताया, रूल टू में पढ़ा होगा आपने, इसके अंत में CHO, SO, XO, HO और सिंगल SBO। इसका प्लूरल करने के लिए हम ES लगाते हैं, तो यहाँ पे CH था कि नहीं, यहाँ पे CH था कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे CH है कि नहीं। अब मुझे आप उन दोनों को छोड़ करके इसका बता प्योर क्या बनेगा, सभी कोई साथी है, इसका प्योर बना दो स्टोमेक का, पढ़े हो तो मैंने इसके सारे रूल बताए हूँ साथियों आपको, बताओ स्टोमेक का प्योर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। देखो साथियों मैंने बताया था आपको रूल, जब CH का उच्चारण करेंगे, और CH का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनाउंसिएशन, जब इसका प्रोनाउंसिएशन क आए, क समझते हो ना हिंदी वाला क, इसका प्रोनाउंसिएशन क आएगा, तब इसके साथ सिर्फ और सिर्फ हम लोग एस लगाते हैं। देखो स्टोमेक क आता है, स्टोमेच नहीं होता है, स्टोमक, समझ ना, तो यहाँ पर जो स्टोमक आ रहा है तो उसका कारण क्या आ रहा है साथियों, क आ रहा है। अब एस लगाएंगे कि एस लगाएंगे, ईमानदारी से सुनो और इस सीजन को करो सब, ठीक है। चलो यहाँ पर जब इसका उच्चारण क आ रहा है तो इसके साथ बताओ एस लगाओगे कि ईएस लगाओगे, हमने आपके रूल में लिखवाए होंगे, आप कॉपी पलट करके देख लो, जहाँ भी इसे नोट डाउन किए होगा, हमने बताया था कि जब भी इसका उच्चारण क आएगा तो साथ एस लगा देंगे आंख में, बताओ इसका उच्चारण क आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोमेक्स हो जाएगा कि नहीं, और सिर्फ लगेगा कि नहीं, बताओ सीख पा रहे हो साथियों, सीख रहे हो तो इसको करो। अब देखो बेंच वाला कुछ नहीं है, इसका उच्चारण च आ रहा है, बेंच वाच तो उच्चारण च आ रहा है, तो मैंने बताया जिसका उच्चारण च आए तो हम लोग साथियों केस लगाते हैं, किस वाला केस में, सिर्फ CH वाला केस में बताया, बाकी के कोई चीज़ नहीं, बाकी में ये लगाओ कोई दिक्कत नहीं, जो CH वर्ड है ना आपको परेशान कर देता, मतलब यही रूल में नहीं बताता आप तो परेशान रहते ना हमेशा, कहते सर जी तो पढ़ा के चले गए मुझे कुछ नहीं बताया एक्स्ट्रा, देखो बायलिंगुअल चीज़ों को, बाइलिंगुअल चीज़ों को सीखोगे ना तो आप कभी फंसोगे नहीं, एक्सेप्शन के चक्कर में नहीं पड़ोगे, समझ रहे हो ना। या बेंच का क्या हो जाएगा साथियों, बेंच यस लगा, ठीक है, वाच का क्या हो जाएगा साथियों, वाचेज हो जाएगा। मैं चीज़ों को रटवाने की कोशिश नहीं करता हूँ, रटवाना होता ना साथ, मार्केट में हजारों बुक अवेलेबल है, समझ रहे ना, वहाँ से उठाओ रट्टा मारते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, बटवाना तो भाई बुक में हजारों सारे मिल जाएंगे बुक में, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, एक्चुअली हुआ है तो कैसे हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या होता है साथियों, अपने से जो प्रैक्टिस करोगे ना कोई बार बार चीज़ों को, तो आपको एक अनुभव होता है कि अच्छा जी ऐसा भी होता है, तो ऐसा होता होगा जब इस पर ज़्यादा दिन डिप्ली करोगे तो, ठीक है। आज लेडी हमने बताया था जिसके अंत में वाई हो, अंत में वाई हो, जनरली हम लोग वाई को आई में बदलते हैं, वाई है इसको हम लोग क्या करते थे आई में बदलते थे और फिर ES लगा देते थे, यही ना हम लोग करते थे अंत में वाई हो। सबको बताया था रूल कि जब कोई नाउन वाई से समाप्ति करे तब उसका प्लूरल बनाने के लिए साथियों हम लोग करते क्या थे, अंत वाई को आई में बदलते थे और फिर ES लगा देते थे। बताओ यहाँ पे जब बनाओगे LAD वाई को आई में चेंज कर दिए और फिर ES लगा दिए तो क्या हो जाएगा साथियों, लेडीज, क्या हो जाएगा साथियों, लेडीज, समझ रहे हो ना। अब तो यहाँ पे आ जाओ, अब मुझे बॉय का प्लूरल बना के दे, बॉय जो वर्ड लिखा है बॉय का प्लूरल फॉर्म बनाओ साथी, जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो आपने सीख लिया जिसके अंत में वाई हो, अंत में वाई हो, वाई को हम लोग आई में बदल देते हैं और ES लगाते हैं, क्या यहाँ भी आप क्या करोगे डे में, क्या करोगे ऐसे करोगे क्या, वाई को आई में चेंज करोगे ऐसे बनाओगे साथियों, आपका गलत हो जाएगा, क्यों,
मैंने ये भी बताया था, वो कंट्राडिक्शन का ये भी बताया था, तो विरोधाभास ये भी बताया था, जब कोई वाई, जब कोई नाउन वाई से समाप्ति करता है और वाई के ठीक पहले वॉवेल लेटर, देखो साथियों किसी को पता नहीं होगा ना वॉवेल लेटर क्या होता है, आप मेरे जाकर शुरू वाला वीडियो देखो, यानी कि जो शुरू शुरू में जो पढ़ाया है उसको जाकर देखो, डेफिनेटली आपका डाउट जो है ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ लो ना, वो जा करके देखना तो आपका डाउट पूरा अच्छी तरीके से क्लियर। और मैंने यहाँ ही बताया था, जब कोई नाउन वाई से समाप्ति करे और वाई के ठीक पहले वॉवेल हो, जब वाई के पहले वॉवेल होता है सिर्फ और सिर्फ हम एस लगाते हैं, कच्ची साथियों एस, लेकिन वाई से ठीक पहले कंसोनेंट लेटर हो, साथियों कंसोनेंट लेटर हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस। अब देखो यहाँ भी सी कर लो, वाई है और वाई से पहले डी क्या है आपका कंसोनेंट है, देखो यहाँ पे वाई है, वाई से पहले क्या है वॉवेल, मैंने अभी बताया वाई से पहले वॉवेल हो और सिर्फ एस लगाते हैं। बताओ साथियों यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, बताओ डे है और डे में सिर्फ क्या करेंगे एस लगा, तो यहाँ पे क्या था हम लोग वाई से पहले था तो आई ई एस लगाते थे, क्योंकि वाई को आई में चेंज करते थे फिर ई एस लगाते थे। बताओ रूल समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ कमेंट करो साथी, कमेंट करके मुझे बताओ, मुझे जानना है, क्योंकि तो आपके डाउट रह जाएंगे ना, आप गलत चीज़ पढ़ लोगे तो आने वाला जो जनरेशन है गलत ही बता। कह ये रहा हूँ, अगर आप गलत चीज़ें पढ़ लोगे, गलत तरीके से समझ लोगे ना, तो रट्टा मारने की कोशिश करोगे, तो आप जब कभी किसी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को बताओगे या आपसे छोटे हो या बड़े हो, आप गलत ही बात, क्योंकि आपके जब डाउट क्लियर नहीं है तो डाउट कैसे क्लियर कर सकते, पहले आपको सीखना होगा कैसे हो रहा। मैं चाहता तो लटवा देता यार, बॉय के पहले ऐसा लगता है, डे के पहले बॉय के पहले साथियों क्या कर सकते हो, बॉय था वाई के पहले साथियों क्या लगा सकते हो एस लगा सकते हो, मैं तो लटवा के चला जाता ना कि हाँ बॉय कॉमन एक जनरल नेम है, जनरल जनरल में 90% एस में आता है, एस लगा दो चले जाएगा, तो ऐसे बता कर चले जाते ना, हमारी क्या था, आप पकड़ भी नहीं पाते, मैं किस लेवल से कहाँ इंग्लिश को नीचे ले जा सकता हूँ, आप पकड़ भी नहीं सकते, आपको काम ये हुआ कि सेशन को शेयर और कहाँ से कहाँ ले जा सकता हूँ, कोच मतलब क्या चीज़ सिखा सकता हूँ, ये डिपेंड मेरे पे करता है, चीज़ों को मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ें मैं छोड़ दूँ, कोई भी ऐसा चीज़ें हो जो कि आपको कभी फ्यूचर में आपको क्या करे वो दिक्कत क्रिएट करे, मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि समझ रहे हो ना, कभी भी कोई टीचर नहीं चाहता। इसी तरह हमारा डे है, अब देखो वाई के पहले क्या है वॉवेल है, वाई के ठीक पहले वॉवेल है, अभी रूल, अभी जस्ट रूल पता चला कि वाई के पहले वॉवेल हो, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यस लगा देते हैं, साथियों लगा देते हैं, देखो डे के साथ क्या करेंगे हम लोग, डे तो लिख ही दिए और एस को क्या करेंगे यहाँ पर चिपक बन जाएगा। अब देखो वाई से ठीक पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले बी कॉन्सोनेंट है ना, नहीं पढ़ेगा साहब क्या करके, अब देखो मेरा पहला लेक्चर, पहला वाला लेक्चर यानी कि फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर उसे जाकर देखो, समझ में तभी आएगा, क्योंकि एक चीज़ का सीक्वेंस तोड़ोगे थोड़ा बहुत दिक्कत होंगे, लेकिन शुरू से देखते आ रहे हो तो जो हमारे स्टूडेंट जो स्टूडेंट होंगे तो शुरू से हर एक चीज़ों को देखते आ रहे होंगे ना, कहीं दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पे जब कॉन्सोनेंट है बताया कौन क्या करेंगे, वाई को आई में कन्वर्ट करेंगे फिर एस लगाएंगे, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेव लिख लीजिए, फिर वाई को क्या करेंगे आई में बदलेंगे और तो क्या करेंगे साथियों ई एस लगा देंगे, बताओ बेबीज होगा कि नहीं, बुक को में ऐसा लिखा मिलेंगे, ऐसा लिखे मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं होगा, समझ रहे हो ना, बुक में लिखा है साथियों, हर एक पब्लिकेशन बुक में लिखा है, लेकिन एक्सप्लेन इस तरीके से एक बायलिंगुअल तरीके से करने वाले शायद मिले, ठीक है आ जाओ यहाँ पे देखो, हमने एक और रूल बताया था साथियों, जिसके अंत में ओ हो तो उसका हम लोग प्लूरल बनाने के लिए करते क्या है, बताओ करते क्या है हम लोग केस लगाते हैं, जनरल फॉर्म 19% केस, लेकिन इसका भी कॉन्ट्राडिक्शन था मैंने बताया था आप रूल में देखना, अब देखो तो हम लोग क्या कर लेंगे सोच कर लेंगे, क्योंकि केस लगाना हम लोग सीखते हैं, ठीक है अब बताओ फोटो में क्या लगेगा, और मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, इसलिए बताया था बहुत सारे बुक में इसको एक्सेप्शन में रखा है, क्योंकि साथियों सब चीज़ एक्सेप्शन में कैसे हो सकता है,
कुछ ऐसे केस होते हैं, मान लो 1% केस है जो अपवाद होता है, लेकिन सारी चीज़ें अपवाद नहीं होते हैं। पहली बात, सारी चीज़ें अपवाद हैं तो उसके बाद हम पकड़ो क्या एक्चुअली बोलना चाहते हैं। फिर देखो फोटो, फोटो बताना किसी टेक्नोलॉजी का नाम है कि नहीं, फोटो क्या चीज़ से बनता है, कि टेक्नोलॉजी की चीज़ों से बनता है फोटो जो बनाते हो साथियों। आप कैमरा क्या होता है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है ना साथियों, मोबाइल पे फोटो लेते हो टेक्नोलॉजी ही होता मोबाइल ना, यानी कि मैंने बताया था जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वर्ड होगा उसके अंत में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे जो ओ से समाप्ति करे। जब कोई टेक्नोलॉजी एंड साइंस का नाम ओ से समाप्ति करे तो हम लोग प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, नहीं तो इसको आपको बुकों में जाओगे तो एक्सेप्शन में रखा गया है, ठीक है याद रखना इस एक्सेप्शन में रखा गया। लेकिन आप समझ लो, आप पढ़ रहे हो बढ़िया तरीके से, समझो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जब भी नाम रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हो बताओ, उसका हम लोग प्लूरल बनाने के लिए और सिर्फ एस लगा। अब आ जाओ बैम्बू का प्लूरल बना दो, अंत में वो है बैम्बू का प्लूरल बना बम्बू का, जल्दी बना। मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपका टेस्ट ले रहा हूँ साथियों, आप कितने चीज़ों को सीखे हो। और यहाँ पे साथियों आपको फिर से रूल का रिविजन भी हो रहा है, समझ रहे हो ना, चलिए लिखा दे। अब देखो यहाँ भी रूल समझो, मैंने बताया था आपको इसी में कॉन्ट्राडिक्शन, जब ओ से पहले वॉवेल लेटर हो, वो जो वर्ड हो उसके पहले वॉवेल लेटर हो। देखो ओ से कहाँ ये रहा, ओ से ठीक पहले क्या है, ओ भी वॉवेल है। मैंने बताया था जब ओ से पहले कोई वॉवेल लेटर हो तो सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं, जैसे वाई वाला रूल था। अब बताओ यहाँ वॉवेल है, हम लोग साथियों एस लगाएंगे ना, अब बताओ क्या हो जाएगा साथियों, बम बोझ होगा कि नहीं। और मैंने ये भी बताया था ओ से पहले, ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो, देखो ओ से पहले कॉन्सोनेंट आर है ना, हम लोग एस लगाए थे, ओ से पहले ये ओ भवेल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एस लगाए। यहाँ देखो ओ से पहले एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, अब बताओ यहाँ भी एस लगेगा ना तो क्या हो जाएगा, तो लॉज हो जाएगा, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। देखो लाइफ, अब मैंने एक और रूल बताया था, इसके अंत में एफ या एफ ई या डबल एफ से समाप्त करे कोई वर्ड, इसका भी हम लोग रूल बनाने के लिए साथियों क्या करते हैं बताओ, साथी क्या करते हैं जल्दी बताओ, एफ या एफ ई को हम लोग वी में चेंज करते हैं, जो एफ है या एफ ई को क्या करते हैं साथियों वी में चेंज करते हैं, फिर ई लगाते हैं एल आई। अब एफ ई को क्या करेंगे, वी में चेंज करेंगे वी, और फिर ई एस लगाना है तो लाइफ हो जाए। बताओ यहाँ पे किसी को दिक्कत हो रहा तो बताओ, बताओ साथियों एल आई एफ ई है तो एफ ई को क्या करेंगे, वी में चेंज करेंगे तो ई एस लगा। चलो जैसे काफ है, यहाँ पे क्या करेंगे, सी ए एल, ठीक है, फिर एफ को वी में चेंज करेंगे, कार्ब्स हो जाते। देखो आर डबल ओ एफ है तो भी क्या करेंगे साथियों बताओ, आर डबल ओ एफ, जल्दी बताओ साथियों आर डबल ओ एफ है, जल्दी बताओ इसका, जल्दी बताओ साथियों, बताओ इसका प्लूरल क्या होगा साथियों, साथियों इसका रूप्स हो जाएगा, क्योंकि एफ के पहले वॉवेल है, एफ के पहले वॉवेल है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे एस लगा देंगे, जैसे आर डबल ओ एफ। यहाँ भी देखो एफ के पहले ई क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल है तो यहाँ भी हम लोग साथियों क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एस लगा देंगे साथियों। इसी आप समझ रहे हो ना कैसे कैसे क्या बनेगा, एफ के पहले बबल हो तो एस लगाएंगे, लेकिन एफ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो एस लगा देंगे, एफ को या एफ डबल एफ को या एफ ई को बी में चेंज कर, ये कंसेप्ट था। और इसके बाद भी कुछ रूल बच जा रहे हैं जो कि आपको अगले सेशन में बताएंगे, और साथ ही इन सारी चीज़ों को जो आपको पीडीएफ में दे देंगे, ठीक है, बना बनाया आंसर नहीं दे, सिर्फ क्वेश्चन, क्यों कि आप फिर उसको बनाओगे नहीं, मुझे पता है ना, मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था ना साथ ही, मैं बताता हूँ, बच्चा था सियास मेरे ही गांव का था, ठीक है, मेरे ही आसपास का, नाम नहीं देना चाहूँगा, वो वीडियो देखेगा तो यार मेरे सीखना है वो, ठीक है, बहुत छोटा, तो वो ऐसा करता था ना, मैं सारी चीज़ों हमको साथ ही रहता था, जाता था जाता था, तो वो एक भी चीज़ को नोट नहीं करता था साथ ही, तो जो भी मैं उसको बनाता था ना, जो भी कॉपी पे उसके आंसर भी लिख के रखता था मैं,
वो क्या करता था ना, उसको फोटो खींच लेता था और उसको जीरस ला कर रख लेता था, और फिर वो अपनी बहन से उतरवाता था और ला करके दिखा देता था। मैंने फिर धीरे धीरे जब उसकी सिस्टर से पूछा ऐसा क्यों हो रहा है भाई, इसे ऐसा कर ले पा रहा है ये, ठीक है, वो बताया ऐसी ऐसी बातें हैं। तो वैसे अब मुझे पता है कि आप सब वैसे ही करोगे, क्या करोगे साथियों, ले लोगे इसका और आप जब आंसर वाला दे देंगे तो आप इस पर वर्क नहीं करोगे। जब तक आप वर्क नहीं करोगे, इसलिए आपको साथियों करना ये होगा, इन सारे चीज़ों को उतारो और बढ़िया तरीके से इसे प्रैक्टिस करो, देन आप सीख पाओ। और करना क्या होगा, आपको टेलीग्राम में जा करके टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि आपको PDF मिल सके, समझ रहे हो ना, ताकि आपको PDF मिल सके। और चैनल पर नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर देना। बस आज के लिए इतना ही, हमें अपने दुआओं में याद रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।